एक बार सभी बच्चे लाइव हो जाएं जल्दी से, और जैसे ही आप लोग लाइव आते हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे जो सेशन होते हैं 10:30 PM पे, तो वो आप लोग डेली बेसिस पे किया कीजिए। यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस मिल जाएगा। स्पेशल सेशन का टाइमिंग जो है वो रहता है 4 PM पे, जो अन अकेडमी के ऐप पे होता है। यहाँ पे आपको मंथली, 6 मंथली, ईयरली क्वेश्चन मिल जाते हैं। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई बी टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 7 ईयर्स। टॉप एजुकेटर्स के बैच जो है 18 अगस्त को ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन है तो इस कोड का यूज कीजिए, PRABHASH। ये कोड जैसे अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, ये वर्थ ₹1 करोड़ का है। क्वेश्चन 36 होंगे, 50 मिनट्स का ड्यूरेशन। टेस्ट मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, और जब भी इनरोल करें बस इस कोड का यूज करें, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे होता है। तो स्पीड, एक्यूरेसी, रैंक सब कुछ आपको दिखता है। जो टॉप एजुकेटर्स है वो आपको गाइड करते हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं कि कितने कम समय में कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। टाइम याद रखिएगा, हर संडे 10 AM पे। सब्सक्रिप्शन जब भी लो तो 2 साल से 1 साल करो, उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 6 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन में एक और फायदा क्या है कि नो कॉस्ट EMI में फैसिलिटी भी अवेलेबल है। प्लस साल 2 साल का समय लगता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो उतने समय के लिए आपके पास एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट के क्लासेस होंगे, डाउट सेशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, अपडेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप अपडेटेड रहेंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, तो वो चीज के लिए आपको साल 2 साल का प्लानिंग लेना चाहिए। ये कोड अप्लाई करोगे तो फर्दर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज प्रेजेंट इन बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। ये तो मालूम होगा सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब कहाँ पे? रिप्लाई करिए, क्वेश्चन में पहला कहाँ से बताओ। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भी यहीं पे, सुना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नोमैडिक एलिफेंट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, मंगोलिया, किर्गिस्तान और चाइना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। नोमैडिक एलिफेंट किट्टू का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो। नोमैडिक एलिफेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। सबका राजधानी मालूम है, किर्गिस्तान का क्या, बिश्केक, मंगोलिया का उलन बटर, चाइना का बताने का जरूरत नहीं है, ना नेपाल का, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मंगोलिया, हु इज द ऑथर ऑफ सेचनिक वर्सेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अबू नवाज, सतीश गुजराल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा का आंसर बताइए। और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये किसने लिखा है ये भी कमेंट करना तुम लोग। और ये बुक किसका है? अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए। तीसरा का आंसर बताइए, थर्ड का। बिल्कुल सही है, सलमान रुश्दी, और ये बुक भी उन्हीं का लिखा हुआ, मिडनाइट चिल्ड्रन और अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अरुंधति रॉय। चौथा है, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिल्कन वैली ऑफ इंडिया,
आसनसोल, बेंगलुरु, भागलपुर, हैदराबाद। अब ये तो क्वेश्चन में दो तीन ऑप्शन ऐसे ही हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, चौथा आंसर बताइए। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ आंसर याद रखिएगा, बेंगलुरु। मोहम्मद अली कमर इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा का आंसर बताइए। पांचवा का आंसर बताइए। मोहम्मद अली कुमार इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पिट्टू शर्मा जी फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा का आंसर बताइए। क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। आंसर याद रखना, बॉक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। पाकी, पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ का है, किस राज्य का है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, पाकी पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? पुलिकट लेक, चिल्का लेक, पेरियार लेक और नैनीताल लेक। क्वेश्चन नंबर सेवन, सातवां का आंसर बताइए। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, पुलिकट लेक, चिल्का लेक, पेरियार लेक, नैनीताल लेक। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए, सेवेंथ का। सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? बी, चिल्का लेक। आठवां बनाइए, करेंसी ऑफ मलेशिया, यूरो, रुपया, मिनट और रिंगिट। क्वेश्चन नंबर एट, आठवां का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर एट, किट्टू, नेहा सारे बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर एट आंसर याद रखिएगा, डी, रिंगिट। क्वेश्चन नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन समिट? कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन समिट? नाइन्थ का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन समिट? एशियन इस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पे है बताइए।
आंसर याद रखना इंडिया, और एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर मैंने पूछा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडोनेशिया, जकार्ता में, ठीक है। दसवां, विच इज द हाइएस्ट स्पोर्ट अवार्ड गिवन फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 10th, दसवां का आंसर बताइए। शर्मा, किट्टू, क्वेश्चन नंबर 10th, दसवां का आंसर बताओ। हाइएस्ट स्पोर्ट अवार्ड गिवन फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड स्पोर्ट्स इन इंडिया, ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी और अर्जुन अवार्ड, क्वेश्चन नंबर 10th, दसवां का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th, आंसर याद रखिएगा, ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न, ठीक है। द हाइएस्ट माउंटेन रेंज कंचनजंगा इज लोकेटेड इन हिमालयन रेंज, जास्कर रेंज, गढ़वाल और काराकोरम रेंज, क्वेश्चन नंबर 11th, 11th का आंसर बताइए। कंचनजंगा, इलेवेंथ क्वेश्चन, 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कंचनजंगा इज लोकेटेड इन हिमालयन रेंज, जास्कर रेंज, गढ़वाल और काराकोरम रेंज, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा हिमालयन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विक्रम सेठ, दिल्ली, अ सुटेबल बॉय, इंग्लिश अगस्त, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विक्रम सेठ, क्वेश्चन नंबर 12th, दिल्ली, अ सुटेबल बॉय, इंग्लिश अगस्त, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्वेश्चन नंबर 12, गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर बताइए। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना। बारवा का आंसर हो जाएगा सुटेबल बॉय, और एक और बुक है अनसुटेबल बॉय, ये किसने लिखा है? अनसुटेबल बॉय किसने लिखा हुआ है? सब कोई जानते हैं, करण जौहर, ठीक है। विच ऑफ उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन नेम वाज चेंज टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ये लाइन छटा दो, क्वेश्चन नंबर, फैजाबाद, मंदाना, मुगल सराय और दिलदार नगर जंक्शन रेलवे, क्वेश्चन नंबर 13, 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13,
13वां क्वेश्चन आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। थर्टींथ का आंसर बताइए, 13 का आंसर हो जाएगा सी, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14th, व्हेन इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, सॉरी विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14th, 14 प्रिंस ऑफ वेल्स, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता और गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर बताओ। आंसर हो जाएगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 15, सिम्बेक्स इज अ डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द नेवी ऑफ इंडिया एंड डैश रशिया, सिंगापुर, जापान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, 15 सिम्बेक्स इज अ डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द नेवी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, 15 किट्टू, नेहा, नीलमा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 15 क्वेश्चन, बाकी बचे भी आंसर दो, जो जिसको आता है एटलीस्ट वो अटेम्प्ट तो करो। बिल्कुल सही है, सिंगापुर। डी गुकेश इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स, चेस, स्विमिंग, शूटिंग और बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, चेस। ठीक है, 17 बनाओ। इसरो गॉट द अप्रूवल फॉर SSLV, what does SSLV stand for? Simple Satellite Launch Vehicle, Small Satellite Launch Vehicle, Short Range Satellite Launch Vehicle or Small Lift Satellite Launch Vehicle? Question number 17, 17 का आंसर बताइए। Question number 17, ISRO got the approval of SSLV, what does SSLV stand for? क्वेश्चन नंबर 17, 17 17, 17 का आंसर हो जाएगा बी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 18वां, व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व इन इंडिया, 18th, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां का आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। आंसर याद रखना, 24 जनवरी। फाइंड द ऑड वन आउट, मलेशिया, कुआलालंपुर, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, बेलारूस, मिंस्क और इक्वाडोर, कायरो। कौन सा राजधानी इसमें से गलत लिखा हुआ है बताइए, ये तो आसान है। नेहा, नीलमा, किट्टू।
जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 19, इक्वाडोर का राजधानी क्या होता है? इतना टाइम लगता है तुम लोगों को, क्विटो। और इजिप्ट का राजधानी कायरो। ठीक है, बाकी सारे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन असम? मानस, डेजर्ट, बंदीपुर, हेमिस। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बताओ। ये सुना होगा, बंदीपुर, बनरगट्टा, कुद्रीमुख, नागरहोल, एमिस भी सुना होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बताइए। नहीं जी, मानस। हेमिस तो जैन के सुनते नहीं हो। डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। बंदीपुर कहाँ पे? ऑप्शन दे रहा हूं, कर्नाटका और उड़ीसा। बताओ कहाँ पे बंदीपुर, बनरघट्टा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बनाओ। साइरिल रैमफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? श्रीलंका, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर बताइए। साइरिल रैमफोसा। सुमेश, नीलमा, शर्मा, सारे बच्चे आंसर दीजिए। साउथ अफ्रीका का तीन तीन राजधानी, ये भी तुम लोग को मालूम ही होगा, ब्लोइंग फाउंटेन, प्रिटोरिया। और केप टाउन सुना है कि नहीं सुना? किट्टू, नीलमा, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाए साउथ अफ्रीका। 22वां बना, फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फ्लेमिंगो फेस्टिवल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। 22वां, सुमेश, नीलमा, किट्टू, सारे बच्चे आंसर दीजिए। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। 22वां, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश, नीलमा का। भर्ती का नाम जिंदगी इज अ टैगलाइन ऑफ विच बैंक? आईसीआईसीआई, एक्सिस, बंधन और यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का आंसर बताइए। तेजस का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का आंसर हो जाएगा बी। आईसीआईसीआई का क्या है बताओ? बंधन बैंक का सबसे आसान सुना होगा, आपका वाला सबकी भलाई। यस बैंक का भी सुना होगा, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, इसका हो गया ख्याल आपका, हम है ना, आईसीआईसीआई। ठीक है, और बंधन का क्या मैंने बताया? आपका भला सबकी भलाई, आंसर हो गया एक्सिस बैंक। नीलमा, नेहा, किट्टू, तेजस, जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया प्लीज सेशन लाइक कर दो।
हाँ बिल्कुल, कोलकाता हेडक्वार्टर है। फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस हैज बीन रीनेम्ड एज HDFC लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 24th, चौबीस का आंसर होता है नीलमा नेहा तेजस। 24th, विच लाइफ इंश्योरेंस हैज बीन रिनेम्ड एज HDFC लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन आंसर याद रखना HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। क्रोनोमीटर इज यूज एज डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसल एट सी, प्रोजेक्टिंग पिक्चर ऑन स्क्रीन, कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इन माइक्रोवेव ऑसिलरेटर। क्वेश्चन नंबर 25, 25। क्रोनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसल एट सी, प्रोजेक्टिंग पिक्चर ऑन स्क्रीन, कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर्स, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इन माइक्रोवेव ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 25, 25, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर याद रखें डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसल एट सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का आंसर बताइए। नीलमा के टू तेजस, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। 27 बनाइए। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व? क्वेश्चन नंबर 27, ब्यूटी का आंसर सही है। क्वेश्चन 27 का आंसर बताओ। सत्ताईस आंसर क्या हो जाएगा? 24th जनवरी। सूर्य किरण इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड नेपाल, मंगोलिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका। क्वेश्चन 28, 28 का आंसर बताइए। नीलमा अभी आंसर दो। क्वेश्चन 28, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, नेपाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है उसका याद रखना, हेडक्वार्टर भी खूब पूछता है, सार्क और सोवेन, इन दोनों ही संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेपाल में। हु इज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 29, 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, हु आर द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ।
ब्यूटी का बी है, ठीक है। 29 का आंसर बताओ पहले तुम लोग का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 29, 29 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव टेम्पल इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश? सुदामा केव, बाघ केव, उदयगिरी केव, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर बताइए। नीलमा, किट्टू, ब्यूटी, शिवम। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग केव टेम्पल इज नॉट फाउंड? क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर बताइए। नीलमा, ब्यूटी, शिवम, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन बिल्कुल सही, सुदामा के बीच द राइट आंसर। लॉब लेट किल हॉट बॉल आर टर्म्स यूज्ड इन विच गेम? शूटिंग, स्क्वैश, चेस और पोलो। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। इकतीस का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इकतीस क्वेश्चन में 31 आंसर हो जाएगा बी, स्क्वायर। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक और यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 32, 32। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 32, 32। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, 32 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, एच डी एफ सी बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम? विंग्स ऑफ फायर, सिटी ऑफ जॉय, इंडिया 2020, माई जर्नी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33। शिवम, नीलमा, ब्यूटी, नेहा, किट्टू, सारे बच्चे आंसर दीजिए और सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन है, ये कोई बहुत, बिल्कुल सही है। ब्यूटी का भी आंसर सही है, शिवम का भी आंसर सही आ रहा है, सिटी ऑफ जॉय। वेयर इज मौलाना आजाद स्टेडियम प्रेजेंट?
आजाद स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 34, जेएनके, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर बताइए। चौंतीस का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वेयर इज द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, 35। वेयर इज द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज हैंडल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी? शिपिंग, वाटर, वाटर रिसोर्स, रोड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36, 36 का आंसर बताइए। और ये बताओ एनएचएआई के अभी चेयरमैन कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन नंबर 36, 36 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी, रोड ट्रांसपोर्ट। Which of the following museum is not a part of Kranti Mandir recently inaugurated at the Red Fort Complex, New Delhi? Question number 37, 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नीलमा, किट्टू, ब्यूटी, शिवम, नेहा, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का आंसर बताइए। आंसर हो जाए सी, सराजंग म्यूजियम। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग? जंगल बुक, फ्लाइट ऑफ पिगन, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, द फ्लाइट ऑफ पिगन। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का आंसर बताइए। शिवम, नीलमा, किट्टू। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जंगल बुक। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे ऑब्जर्व, निर्मा का भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इज द इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे ऑब्जर्व? क्वेश्चन नंबर 39, 39। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर याद रखिएगा 27 जनवरी। ए सिंगिंग छम, याक छम आर डांस ऑफ विच ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम? क्वेश्चन नंबर 40, 40।
40 का आंसर बताओ, 40। सिंगी छम, याक छमा डांस फॉर्म्स ऑफ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 40। चालीस का आंसर बताइए। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, अब इजी लग रहा है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, अपर्णा पोपट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्वेश्चन नंबर 41, 41। क्वेश्चन नंबर 41, अपर्णा पोपट इज रिलेटेड विच स्पोर्ट? लॉन टेनिस, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 40, तुम आंसर दे रहे हो बी, आसान है तो बन कहाँ रहा है तुमसे। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताओ, 41। और सब थोड़ा क्वेश्चन नंबर लिखा करो कि तुम लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज प्रेजेंट इन राजस्थान? मयानी, चित्रौंगी, बोनर और किचन। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का आंसर बताइए। फोर्टी टू का आंसर बताइए। नीलमा, किट्टू, ब्यूटी, शिवम, नेहा। फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन बयालीस का आंसर याद रखना डी। सुरान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? होनियारा, खातुम, अंकारा, बर्न। क्वेश्चन सारे कंट्री का तुम लोगों को कैपिटल मालूम है, करेंसी भी मालूम है। नेहा, किट्टू, शिवम। क्वेश्चन नंबर 43, 43।43 का आंसर बताइए। फोर्टी 43 आंसर हो जाएगा बी। होनियारा किसका कैपिटल है? हाँ बिल्कुल सही, बर्न स्विट्जरलैंड है, अंकारा टर्की है। होनियारा किसका कैपिटल है ये भी बताओ। क्वेश्चन होनियारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सारे कंट्री का तो मालूम होना ही चाहिए एटलीस्ट। क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल सही, सोलोमन आइलैंड। हु इज द फास्टेस्ट एशियन वुमेन टू साइकिल अराउंड द ग्लोब? क्वेश्चन नंबर 44, 44 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, फास्टेस्ट एशियन वुमेन टू साइकिल अराउंड द ग्लोब?
रामेश्वरी देवी, वेदांगी कुलकर्णी, वेदांग और दियोब्रा। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का आंसर होता है। ये चौवालीस आंसर हो जाएगा बी, रांगी कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 44। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल उदयपुर, बीकानेर, पुष्कर और जैसलमेर। क्वेश्चन 45, 45 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, बीकानेर इज द राइट आंसर। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज द टैग लाइन ऑफ विच बैंक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, 46। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये किस बैंक का टैग लाइन है? छियालीस का आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मलाला यूसुफजई? वी आर डिस्प्लेस, द रूल ऑफ ब्रेकर्स, इमाम एंड द इंडियन, द रूरल मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का आंसर बताइए। शिवम नेहा किटू। क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल से वी आर डिस्प्लेस्ड। वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट हेल्ड? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। क्वेश्चन 48, 48। अड़तालीस, वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट हेल्ड? फोर्टी एट, अड़तालीस का आंसर बताइए। अड़तालीस का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुंबई। वॉट इज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब? टर्टल, सी पॉस, गोल्डन फिश, इंडस रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49,
सही, इंडस रिवर डॉल्फिन्स। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रेजेंट? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, तो शिवम आप उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, जो सेट में क्वेश्चन है वही बनाना है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? महानदी, गोदावरी, कावेरी और इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है तो एटलीस्ट दूसरे क्लास में चले जाओ कि कम से कम वहां पे तो कुछ मिल जाए। सही, अभी यहाँ पे जो सेट ऑलरेडी सेट है वही बनेगा ना। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? क्वेश्चन और पहला का आंसर होगा महानदी रिवर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिचुएटेड? नासिक, नागपुर, पुणे और मुंबई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन शिवम मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो कहीं और क्लास ले लो, ठीक है, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर हैं, किसी का भी क्लास ले सकते हैं आप। वेयर इज काइगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रेजेंट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, तो स्टैटिस्टिक्स आपको किसी भी एग्जाम में आता है, बैंक में भी, एसएससी में, रेलवे में भी। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, कर्नाटक। विच सिटी इज नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया? डिब्रूगढ़, जमशेदपुर, धनबाद, दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चौथा का आंसर बताइए। परेश, नेहा, फोर्थ का आंसर बताइए, चौथा का। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, डिब्रूगढ़, जमशेदपुर, धनबाद, दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर फोर, चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, धनबाद। ओवागदुगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बेनिन, नाइजीरिया, ब्रुनेई, बुर्किना फासो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा का आंसर बताओ। कल ही कर रहा हूँ स्पेशल सेशन वाला जो है ना अनअकैडमी ऐप पे, उसी में कल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, इरिट्रिया का राजधानी असमारा।
बेनिन पोर्टोनोवो, ब्रुनाई का विमान में बंदे सेरिबेगावन। Which bank goes by the tagline "Honors Your Trust"? IDBI, UCO, United Bank of India, State Bank of India? क्वेश्चन नंबर सिक्स, छठा का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सिक्स, छठा का आंसर बताइए। कौन से सिलेबस में आपने ये सब पढ़ा है वैसे? विच बैंक गोज बाय द टैगलाइन "ऑनर्स योर ट्रस्ट"? क्वेश्चन नंबर सिक्स, छठा का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर हो जाएगा बी, यूको बैंक। वेयर इज विलर आइलैंड सिचुएटेड? क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवेंथ का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेवन, सातवां का आंसर बताइए। सातवां का आंसर याद रखिएगा उड़ीसा। सैयद अनवर तैमूर वसव एज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर एट, आठवां का आंसर बताइए। परेश, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए। फटाफट बताओ। आठवां का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा बी, आसाम। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर होता है नौवा का। आंसर हो जाए सी, मीन्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर टेंथ,
दसवां का आंसर बताइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, दसवां का आंसर याद रखिएगा ए बेलारूस। क्रोशिया का राजधानी वैसे कहां पे ये बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 11, 11वां का आंसर बताइए। हाँ इलेवेंथ का आंसर बताइए। क्वेश्चन में 11वां का आंसर बताइए। 11th का आंसर याद रखिए गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। जलापुर डैम इज बिल्ट इन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12th। जलापुर डैम इज बिल्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12th, 12 का आंसर बताइए। बारवा का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन सिचुएटेड। जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां का आंसर हो जाएगा ए आईटीयू। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट इज इन बिहार। जंतर मंतर आर्किटेक्चर वर्क ऑफ नालंदा रॉक सेल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा नालंदा। 15, नसी अल बहर इज द डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ नेवी बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बांग्लादेश, जापान और ओमान। क्वेश्चन नंबर 15, 15, 15 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी ओमान। इन विच सिटी इज इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा एस्टैब्लिश। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर बताइए। और 10 सेकंड का ब्रेक लो, मैं आ रहा हूँ बाथरूम से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा मुंबई।
द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बेस्ड इन विच सिटी? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा जिनेवा। विच इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? जापान, चाइना, जर्मनी और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का आंसर बताइए। शिवम क्लास का काम करो, फालतू मत बात करो, जो भी बचे हैं आलतू फालतू चैट मत करें। 18वां का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, आंसर याद रखना चाइना। क्वेश्चन 19, विच इंडियन सिटी हैज बीन निक नेम्ड एज ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया? चेन्नई, शिमला, आगरा, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी, नागपुर। रियो डी जेनेरियो इज बेस्ट इन विच कंट्री? अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, रियो डी जेनेरियो इज बेस्ट इन विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बताइए। रियो डी जेनेरियो इज बेस्ट इन विच कंट्री? अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द ऑथर ऑफ द नोबल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय विच ऑथर? क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर बताइए। याद रखिएगा अरुंधति रॉय, इनका बहुत सारा बुक है। उसके अलावा अलजेब्रा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके कारण ये प्रख्यात हो गई। माउंट कैमेट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। परेश का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां का आंसर बताइए। ट्वेंटी टू का आंसर क्या होगा? बी, उत्तराखंड। 23, विच म्यूजियम हैज बीन नेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय? क्वेश्चन नंबर 23, 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का आंसर बताइए। आंसर याद होगा द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। 24, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सिचुएटेड? जकार्ता, बीजिंग, सिंगापुर, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर बताइए। फटाफट आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 25 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो जाएगा बी, पुलेला गोपीचंद। सारे बच्चे ब्लॉक कर दो एमपीएस मोटिवेशन को। अगर आपको क्लास नहीं करना है तो मत करो, इरिटेट ना करो लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 26 का आंसर, आपको क्लास नहीं लगता आप दूसरे क्लास में जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 वीसीटी वाज वेन्यू ऑफ द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 26 26 का आंसर बताइए। आंसर याद रखिएगा डी, वाराणसी। 27 काएगा एटॉमिक पावर स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 27 27 का आंसर बताइए। 27 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 28 हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, ये तो बिल्कुल आसान है, मुंबई। 29 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स द नोबेल प्राइज नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 29 29 का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज नॉट गिवन। 29 का आंसर हो जाएगा डी, म्यूजिक। विद ऑथर ऑफ डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई, विक्रम सेठ, अनिता देसाई और अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। एमपीएस परेश। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। देखो जिसको पढ़ना है पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो और उल्टा सीधा कुछ मत लिखा करो। नहीं है तो जाइए आराम से, तो क्लास का डेकोरम मत खराब करो, ठीक है? ये जो कर रहे हो ना तुम लोग, उल्टा सीधा मत करो, जहां पढ़ना पढ़िए आराम से। अब फालतू आकर के क्लास में गंध ना मचाइए। हु इज द फर्स्ट जापानीज प्लेयर टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्वेश्चन नंबर 31 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 हु इज द फर्स्ट जापानीज प्लेयर टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन। हितु, परेश, नेहा, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 31 नवमी ओसाका। यूनिवर्सिटी सवाई मानसिंह स्टेडियम लोकेटेड कानपुर, मोहाली, जयपुर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 यूनिवर्सिटी सवाई मानसिंह स्टेडियम लोकेटेड कानपुर, मोहाली, जयपुर और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32 32 का आंसर बताइए। बत्तीस का आंसर याद रखिएगा डी, सॉरी जयपुर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन
ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उषा आनंद सुब्रमण्यम, चित्रा रामकृष्ण, शिखा शर्मा और अरुंधति भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर याद रखिए, अरुंधति भट्टाचार्य। इन विच स्टेट इज द कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर क्या होगा? डी, छत्तीसगढ़। 35, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 25th जनवरी, 22nd जनवरी, 26th जनवरी, 27th जनवरी। 35th का आंसर क्या हो जाएगा? पैंतीस का आंसर बताइए। क्वेश्चन 35 आंसर हो जाएगा 25th जनवरी। सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड इन बैंगलोर, लखनऊ, श्री हरिकोटा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 36, 36 का आंसर बताइए। याद रखिएगा, श्री हरिकोटा। झारुकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का आंसर बताइए। 38, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का आंसर बताओ। आंसर याद रखिएगा, बी, गुजरात। रंगी डैम लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्वेश्चन नंबर 39, आंसर याद रखिएगा, सिक्किम। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाव? चालीस का आंसर बताइए। आंसर याद रखिएगा, रोम। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट को लेकर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ठीक है, डेली 10:30 बजे और स्पेशल सेशन का टाइमिंग रहता है 4 PM पे, तो वो भी सेशन रेगुलर किया कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिए तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस कोड का यूज कीजिए, PRABHASH, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा।